नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपको सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश में अब ठंड खत्म होने के साथ बढ़ती गर्मी के बीच सियासा पारा भी तेजी से चढ़ने लगा है, जो 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान से पहले तक इसी तरह उफान पर ही रहेगा। वैसे यूपी की चुनावी लड़ाई धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गई। अब तक 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें दौर के दंगल को अपने नाम करने के लिए बीजेपी और सपा समेत सभी सियासी दल जोर शोर के साथ प्रचार में जुटे हैं। 5वें चरण की वोटिंग रविवार 27 फरवरी को होगी, यानी आचार संहिता के हिसाब से शुक्रवार शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, जबकि इसके बाद पार्टियों के प्रत्याशी और नेतागण डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से उनका मत मांगेंगे। 5वें चरण के रण में 12 जिलों की 61 सीटें शामिल हैं। अब प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, श्रीवास्ती, बहराइच, बाराबंकी और गोंडा के साथ ही रायबरेली जिले में मतदान होगा। रायबरेली की 5 सीटें पर 4थे चरण में वोटिंग हो चुकी है, जबकि 1 सीट सलोन में अब 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे। अब तक 4 चरणों की लड़ाई हुई है, उसमें बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दी, जबकि अब जो 5वां और 6ठा चरण है वो बीजेपी के लिए थोड़ा आसान माना जा रहा है। यही वजह है कि सपा की ओर से अखिलेश, बसपा के लिए मायावती और कांग्रेस को कामयाबी दिलाने के लिए प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा रही है। 5वें चरण की सीटों पर दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। खैर, कड़ी कवायद के बाद कामयाबी किसे मिलेगी ये देखना तो अहम होगा ही। वहीं फिलहाल प्रयागराज में किस तरह का माहौल है, किस सीट पर कौन किसे कड़ी टक्कर दे रहा है, कहां मुकाबला दुकेणी है, त्रिकोणी और चतुष्कोणी, जनता का मूड कैसा है, चलिए अब इस पर विस्तार से बात करने के लिए शुरू करते हैं सत्ता के संग्राम की खास पेशकश संगम नगरी का संग्राम। तो संगम नगरी के संग्राम में पिछली बार बीजेपी सबसे आगे रही थी। उसने जिले की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी अपने दल ने जीती थी। लेकिन 22 की जंग में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। यही वजह है कि मोदी योगी की जोड़ी को यहाँ जी तोड़ मेहनत करना पड़ रही है। प्रयागराज काफी बड़ा जिला है और विधानसभा सीटें भी अधिक है। ऐसे में चुनाव कराने के लिए जिले को 45 जोन में बांटा गया है। 144 मतदान केंद्रों पर 5000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं, इनमें से 200 से अधिक संवेदनशील बूथ हैं। खैर, तमाम तैयारियों के बीच प्रयागराज की किस सीट पर टक्कर कितनी दिलचस्प है, समीकरण किसके पक्ष में है, चुनाव में कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, चलिए इसे लेकर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। यह है संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज, जहां इस वक्त माहौल चुनावी है। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि अब यहां 5वें चरण में मतदान होना है। प्रयागराज जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां 27 फरवरी को वोटिंग होगी। जिले के 40 लाख से ज्यादा मतदाता, इनमें 25 लाख से अधिक पुरुष और 21 लाख महिला वोटर हैं। प्रयागराज जिले की सीटें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बंटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करछना, बारा, मेजा, फूलपुर, हंडिया, प्रतापपुर, सौरा, फाफामऊ और कौराव विधानसभा सीटें, तो वहीं शहरी क्षेत्र में इलाहाबाद की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी विधानसभा है। पिछली बार यानी 2017 में जिले की 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी अपना दल ने जीती थी। वहीं 2 सीटों पर बसपा ने बाजी मारी थी और सिर्फ 1 सीट पर सपा को सफलता मिली थी। वहीं अब संगम नगरी का जो चुनावी संग्राम है उसमें कुल 169 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 12 में से 3 सीटों पर बारा, सौरा और प्रतापपुर पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल से प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि हंडिया सीट से बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी से प्रशांत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अन्य 8 सीटों पर बीजेपी के टिकट से प्रत्याशी चुनावी जंग में उतरे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज जिले के समीकरण पिछली बार के मुकाबले काफी अलग है। स्थानीय मुद्दों के साथ महंगाई को लेकर जनता खासी नाराज है। इसमें इसका फायदा सपा या दूसरे दल को हो सकता है,
हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कामयाबी दिलाने के लिए मोदी योगी की जोड़ी पूरी ताकत लगा रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रयागराज के रण में कड़ी कवायद के बाद कामयाबी आखिर किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज। तो संगम नगरी के संग्राम पर चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी प्रशांत राव हैं, और दिलचस्प पहलुओं पर बात करने के लिए लखनऊ से लाइव जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ेंगे राजनीतिक दलों के नेतागण भी, लेकिन सबसे पहले मनोज जी, एक सतही तौर पर आपसे बात, प्रशांत से एक एक सीट का हाल जानेंगे हम, लेकिन सतही तौर पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ये धार्मिक नगरी कह सकते हैं यहाँ, और धर्म के आधार पर, जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार, खासकर हिंदू धर्म के आधार पर अपना बेस बनाए हुए है, यहाँ क्या माहौल आप देख रहे हैं 17 और 22 के अंतर में? 12 सीटें हैं यहाँ पे। दरअसल तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा गया है जी, और इसका असर या इसका प्रभाव आपने भी अपने एक लंबे दौर करियर में देखा होगा, यहाँ से प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर, कारण यह है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय सिविल सर्विस में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश से लोग तैयारी करने आते हैं जी, और उनका मन पसंदीदा सब्जेक्ट होता है या तो शासन प्रशासन में आईएएस आईपीएस में जाएंगे, और नहीं तो राजनीति शास्त्र उनका एक विशेष रुचिकर सब्जेक्ट होता है जो बाद में देश की राजनीति में उन एक अच्छा अहम रोल अदा करते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के। लेकिन आपका जो सवाल मौजूदा प्रयागराज को मैं भी मनोज जी काफी नजदीक से इसलिए जानता हूं कि प्रयागराज से ही मैंने इलाहाबाद मुट्ठीगंज से एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज मैगजीन माया निकला करती थी, प्रकाशित होती थी, उसमें मैं लगभग 87 से 94 तक मैं मध्य प्रदेश का करस्पॉन्डेंट रहा हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, तो मैं प्रयागराज हमेशा है जो मुख्यालय था जाता रहता था, तो इसलिए काफी नजदीक से जानता हूँ जी। तो अब बदली परिस्थिति, ये इसलिए कहना मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जोशी केशरीनाथ त्रिपाठी अभी उम्र के पड़ाव पे कह सकते हैं या रिटायरमेंट के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी में 2012, 2014, 2017 या 2022 अगर अगर शहर की सीटों की बात करने या शहर के माहौल की बात करने, 12 में से 8 मतलब भाजपा का कब्जा है जी, जबकि कभी बीपी सिंह और मुलायम सिंह या एक समय कांसी राम या अगर राम पूजन पटेल का जिक्र कर लें तो बहुत अन्य अन्य पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ से जीते हैं और देश की राजनीति में उनका एक अहम रोल था जी। लेकिन आया राम गया राम के चक्कर में, ये बात मैं इसलिए मतलब कह रहा हूँ कि अगर आप शहर की सीटें देख लें, चाहे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और या देहात जी, मतलब केशव जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन मूलतः केशव जी प्रयागराज रहते भी हैं और प्रयागराज की राजनीति को उनका काफी दखल भी जी। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में, बदली परिस्थिति में, 12 विधानसभा पे सब पर भारी है और लड़ाई जिसके साथ भी है, क्योंकि अगर शहर उत्तरी में चर्चा करें तो वहां अनुग्रह नारायण सिंह के साथ उनका कहीं न कहीं हमेशा से कुछ न कुछ रहता है जी। पापा मऊ की बात कर लें तो पापा मऊ विक्रमादित्य मौर्य पहले विधायक थे, वो भी सपा बसपा से थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में गुरु प्रसाद मौर्य है जो कि बसपा में रह चुके हैं जी। तो बड़ा दिलचस्प नजारा होगा। नेट मेरा कट गया है तो पाठी जी, जिसे हो सकता है मुझे आप वॉइस कॉल से सुन पा रहे हो जी? जी सुन रहा हूँ जी। तो इसलिए इलाहाबाद पे आप अपने अन्य लोगों से चर्चा लें, खबर लें, हम आपको सीट वाइज भी चीजों का आकलन भी देंगे और वहाँ क्या है वह स्थिति उसके बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल, लेकिन यह मनोज जी इस बार देखने में आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या इसके पहले भी के चुनाव में आपने देखा, इस बार दल बदल अच्छा खासा हुआ है, तुम्हारा मैं तेरा तोड़ रहा हूँ, तुम मेरा तोड़, तू डाल डाल मैं पात पात, और दल बदल केवल नहीं हुआ है, दल बदल करके दूसरे दल से वो उम्मीदवार भी हैं। पिछली बार पता चला कमल का प्रचार कर रहे हैं, इस बार पंजा कर रहे हैं, इस बार हाथी कर रहे हैं तो सपा का कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं, ये चीजें भी इस बार बहुत ज्यादा हुई हैं मनोज जी।
नहीं, ये चीजें प्रदेश में हुई है, पूरे प्रदेश में दिखेंगी और इसका खासकर असर आपको प्रयागराज में दिखेगा जी। मैंने दो विधायकों का नाम लिया जो पूर्व विधायक थे, मौजूदा भी वो विधायक थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में भाभामो विधानसभा के मौजूदा विधायक जो विक्रमाजीत मौर्य, अब उनको टिकट नहीं मिला। पहले वो बसपा में हुआ करते थे, सपा में भी कुछ दिन थे, और गुरुप्रसाद मौर्य जी ये भी बसपा में विधायक थे और मायावती की काफी करीबी जाने जाते रहे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। यही स्थिति नंदगोपाल नंदी की है, यही स्थिति वाजपेयी जी की है। तो इस तरीके का अगर आप देखें तो 12 में लगभग 7 प्रत्याशी प्रयागराज में वो अन्य दलों से अन्य दलों में जाते हैं जी। जी 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 बिल्कुल। हालांकि आपने इतिहास बताया इनका, लेकिन माया नगरी में भी अमिताभ जी बच्चन जी के कारण प्रयागराज काफी फेमस है और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता भी वहां से आए हैं जी। नहीं वो तो इतना चमत्कारिक चुनाव आप ये कह सकते हैं, हम लोग वहाँ छात्र जीवन में हुआ करते थे जी, और हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जो इतिहास था या ये कहिए कि जिस राजनीतिक परिवेश थे वो दांत खट्टे करने की स्थिति में इंदिरा गांधी के हमेशा थे, लेकिन वो अमिताभ बच्चन जी से हार गए जी। जी बिल्कुल सही बात। चलिए हम प्रशांत के पास चलते। प्रशांत मेरी आवाज आ रही जी? प्रशांत मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आ रही। प्रशांत फूलपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ से प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी से, मुर्तजा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से, राम तोलन यादव बहुजन से, सिद्धार्थनाथ मौर्य इंडियन नेशनल कांग्रेस से, माने कांग्रेस से। क्या स्थिति है यहाँ, क्या जाति समीकरण है, किसके किसके बीच में टक्कर है? देखिए अगर बात करें तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी अभी इसका तीन है और तो वही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों टक्कर देने में लगी है, लेकिन देखा जाए जो जाति आंकड़ों के आधार पर या फिर प्रत्याशी के आधार पर तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे की टक्कर मान रहे हैं, तो BSP वहाँ अपना दावा ठोक रही है। तो ऐसे में जो जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और जो बैकवर्ड वोट है वो लाभबंद होता दिखाई दे रहा। बैकवर्ड में भी कुछ कुर्मी बिरादरी के वोट, हालांकि यादव तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए तटस्थ है, लेकिन बैकवर्ड में मौर्य और कुर्मी वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ झुकता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसको संभालने की कोशिश कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से वहाँ पूर्व प्रत्याशी उतारे और अब की बार जो उन्होंने जाति समीकरण रखा है, तो ऐसे में एक बार कहीं ना कहीं अगर BSP मुस्लिम वोट बैंक में सेल लगाती है और उसके साथ ही कुर्मी बिरादरी में उनका अगर पैट सही बन जाती है तो जरूर ये होगा कि पर उभर कर सामने आ सकती है। लेकिन अभी जो वहाँ जमीनी स्तर पर देखा जाए या फिर जनता की राय मानी जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं प्रशांत यहाँ मैं राम तोलन यादव बहुजन समाज पार्टी से है, निश्चित तौर पे यहाँ मुस्लिम आबादी भी काफी है, तो यादव वोट ये बहुजन समाज पार्टी यादव वोटों को नहीं काट पा रही क्या वहाँ? जी मैंने कहा कि वहाँ यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ तटस्थ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अगर सेंधमारी कर पाते हैं वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तो जरूर बहुजन समाज पार्टी वहाँ पहले नंबर पर निकल कर आएगी। हालांकि मुस्लिम वोटों में बहुजन समाज पार्टी वहाँ सेंध करती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही कुर्मी मौर्य और अन्य जो अदर बैकवर्ड है या फिर जो माइनॉरिटी के वोट कहे जाए उसमें सेनमारी BSP जरूर कर रही है और ये दावा भी वहाँ ठोकते ही आई है BJP कि BSP की अब की बार जो है उनकी सरकार बनेगी। और इसके साथ ही वहाँ जो स्थानीय नेता है वो लगातार ये कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास हुआ, स्वशासन, और इसके बाद जो वहाँ पर राजूपाल हत्याकांड था उसको बुलाने की कोशिश कर रही है BSP। पूजा पाल को वहाँ टिकट दिया गया था, हालांकि पूजा पाल अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, लेकिन तो वही पुराने नेताओं का भी नाम ले रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में उनका सम्मान था लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान नहीं हुआ। और साथ ही जिस उद्देश्य के साथ जो बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने बेटे को टिकट दिलाने के नाम को लेकर वो गए थे अपने साथियों को टिकट दिलाने, लेकिन वो उम्मीदें खड़ी नहीं, तो ये बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर लोगों को बातें गिना रहे हैं जिसके आधार पर वोट जो बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये भी है कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सिद्धार्थनाथ मौर्य ये कांग्रेस से हैं, ये क्या मौर्य जो वहाँ वोटर हैं उनको नहीं काट पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी?
जी देखिए, जो सिद्धार्थनाथ महोदय हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का हालांकि वहाँ पर प्रयागराज गढ़ रहा है, वहाँ से चाचा नेहरू हो, तमाम इंदिरा गांधी है, तमाम नेता निकले हैं, बड़े बड़े चेहरे वहाँ से आए हैं, और खुद वहाँ अगर कहा जाए प्रयागराज के सांसद जो है वहाँ पर रीता बोहरा जोशी भी हैं, तो ऐसे में बड़े चर्चित चेहरे प्रयागराज से रहे। लेकिन मौर्य समाज की कांग्रेस से बात की जाए तो वो झुकाव नजर नहीं आ रहा है, और जिस तरीके की लड़ाई वहाँ कांग्रेस से होनी चाहिए थी वो शायद हाथियों पे कांग्रेस खड़ी है। हालांकि कांग्रेस का वहाँ संगठन है लेकिन वो मजबूती नहीं पकड़ पा रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे करती है, प्रयागराज में जनसभाएं करती है, महिलाओं की बात रखती है, लेकिन जो झुकाव जनता का होना चाहिए वो लहर कांग्रेस की तरफ ना दिखाई देकर समाजवादी पार्टी की तरफ, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रही है। अगर कहीं वह मौर्य वोटों में सेंध लगाती है अगर, तो जरूर होगा कि बीएसपी को थोड़ा वहाँ नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही जो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर समाजवादी पार्टी में वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा वो भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मौर्य वोट अब की बात जो है, क्योंकि वहां पर देखा जाए कि बड़े नेता है केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भी प्रतिष्ठा गांव में लगी है, मौर्य वोट उस तरफ वो भी देखता है, तो कहीं ना कहीं मौर्य वोट का बिखराव चारों दलों में थोड़ा थोड़ा जरूर होगा। चलिए, आपने मुस्लिम आबादी है अच्छी खासी, मतदाता कुछ है आपको ज्ञान के मतदाता किस प्रतिशत पे है मुस्लिम मतदाता? बिल्कुल, देखिए अगर कुल मतदाता की बात की जाए तो करीब 3,14,041 मतदाता हैं, और ऐसे में वोटों का बिखराव जो देखा जाए वहाँ पर वो बहुत ही अलग तरीके से रहा है। मुस्लिम मतदाता कितने प्रतिशत हैं लगभग, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी आवाज नहीं मिल सकती। मुस्लिम मतदाता कितने प्रतिशत है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, मुस्लिम मतदाता इस सीट पर बहुत ज्यादा तो नहीं है, करीब 11-13% के बीच में आते जाते हैं, और उनकी जो भागीदारी होती है वो कहीं ना कहीं हार जीत का फैसला जरूर तय करती है। चलिए हम तो चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, यादव के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग सपा की तरफ जा सकता है, ये कैसे संभव है? और दूसरा, चूंकि जैसा कहा जा रहा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है अल्पसंख्यक समुदाय से दिए हैं यानी मुस्लिम से दिए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी भी वहां से अल्पसंख्यक समुदाय से टिकट दी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मुर्तजा सिद्दीकी सपा से है तो राम यादव बहुजन समाज पार्टी से है, मौर्य इंडियन कांग्रेस से है। मनोज जी, दरअसल मुस्तफा सिद्दीकी, अंसार अहमद, अतीक अहमद, ये सब, परवेज अहमद टंकी, ये सब प्रयागराज से विधायक रह चुके, कभी सोराहों से, कभी पापा मऊ से, कभी शहर उत्तर दक्षिणी से, तो 12 में से लगभग आप ये समझिए कि 4 सीटें बहुत प्रभावित है मुस्लिम से, और लगभग 4 सीटें पर हार जीत का वो कहीं कहीं आकलन तय करते हैं। जी, इतने परसेंटेज मुसलमानों के हैं वो, मतलब मैं आप इसलिए विधानसभा स्तर पे बात कर रहा हूँ कि सुराव, फाफा मऊ, फिर आपका शहर दक्षिणी, तो इस तरीके से मुस्लिमों की आबादी सीट जिताने से लेकर के सीटों को प्रभावित करने को लेकर के है। लेकिन निश्चित पाटिल साहब, क्या है प्रयागराज का जो अब तक की इतिहास रहा है, अगर हम एक जात का बिल्कुल जिक्र नहीं कर पा रहे, सोने लाल पटेल खुद यहाँ से सांसद नहीं बन पाए, खुद यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अनुप्रिया पटेल की राजनीति में पटेलों ने खासकर फूलपुर, सुराव, हंडिया, घोरपुर, इधर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको। आइए कहिए कि प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वो खड़ी इसी बलबूते पे हुई। तो और मैंने जिक्र भी किया था आपसे कि देखिए राम भूजन पटेल से लेकर के बड़े बड़े नेता, तो ये कह सकते हैं कि 90-91 के बाद, आरक्षण के बाद इलाहाबाद में जातिगत ढांचे का प्रभाव बहुत जबरदस्त रहा है। बीपी सिंह से लेकर, मैं बीपी सिंह का जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूँ आपसे, डॉक्टर जोशी लंबे समय तक यहाँ सांसद थे, केंद्र मंत्री रहे हैं, तो प्रभावी वोटों की जहां तक बात है, जैसे अब ये हम विधानसभा चर्चा से राव साहब कर रहे हैं, मैं कर लू, शहर की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रभाव रहा है, नरेंद्र सिंह गौड़ से लेकर के डॉक्टर जोशी से लेकर के ये लोग वहां चुनाव जीतते रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, गवर्नर तक रहे। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, देहात की सीटों पर समाजवादी पार्टी 1-1 टक्कर दे रही भारतीय जनता पार्टी को, हार जीत किसकी होगी ये तो काउंटिंग के दिन तय होगा। हाँ, वो तो शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
पहले भी जीतती थी और वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगी। आज वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही, काफी भीड़ थी, उन्होंने मैसेज भी देने की कोशिश की। और भावनाओं से जुड़ने का जहां तक त्रिपाठी साहब सवाल है, तो प्रयागराज से, संगम से, कुंभ से, आस्था से, या ये कहिए कि धर्म से लगातार जोड़ने का प्रयास किया जाता है और उसका परिणाम भी भाजपा को मिलता रहा। जी, यहाँ जैसे फूलपुर में बता रहे हैं हमारे प्रशांत की त्रिकोणी मुकाबला संभावना हो सकती है, लेकिन कहीं अगर रामतोलन यादव जी बहुजन समाज पार्टी से अगर वो यादव वोटों पर शेर नहीं लगा पाए तो मुर्तजा सिद्दीकी और भाजपा के बीच में जबरदस्त फाइट है, ऐसा उनका कहना है। चलिए फाफा मऊ की बात कर लेते हैं। प्रशांत, फाफा मऊ में क्या स्थिति है? प्रशांत, मेरी आवाज आ रही? प्रशांत, फाफा मऊ की क्या स्थिति है? ओम प्रकाश बहुजन समाज पार्टी से, अंसार अहमद समाजवादी पार्टी से, गुरु प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि प्रनोद जी ने बताया, आपने बताया कि गुरु प्रसाद मौर्य इस बार भाजपा से हैं, जो सपा से आए हैं, दुर्गेश पांडे कांग्रेस से, चतुष्कोणी है, द्विकोणी है, त्रिकोणी है। यहाँ देखिए अंसार अहमद जो की पिछली बार जो चुनाव लड़े थे करीब 57,000 से ज्यादा उनको मत मिले थे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो करीब 83,000 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ विक्रमजीत जो प्रत्याशी थे 2017 में उनको जीत मिली थी, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर प्रत्याशी बदलाव किया है फिर भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों टकराते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हालांकि पीछा जरूर करेगी, लेकिन जो वोटों का स्तर है बहुजन समाज पार्टी का वो कहीं ना कहीं इस समय खसक चुका है, क्योंकि जो उनके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वहां से रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वो टूटकर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को वहाँ इस सीट पर लड़ना मुश्किल इसलिए भी हो रहा है जो दलित वोट बैंक जो था वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का जो स्टैंड रहा उससे नुकसान इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आता जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में जो आरोप लगते रहे, हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, अन्य जो सुगुवाट आती है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद उस दलित वोट बैंक को दूसरी जगह साधने के लिए कहा जाता है, और ऐसे में वो प्रत्याशी जब जीत जाते हैं तो अन्य दलों में चले जाते हैं, तो इस सीट पर कहीं ना कहीं दलित जो मतदाता वो देख रहा है कि प्रत्याशी जैसे उतारे जा रहे हैं वहाँ कैडर का ना होना नुकसान कर सकता है, उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, और अंसार अहमद और भारतीय जनता पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज जी, इस पूरे 12 में से 2 मुस्लिम प्रत्याशी सपा ने दिए, बाकी किसी ने और ने नहीं दिए। एक बात जैसा इन्होंने कहा इस बार कि बहुजन समाज पार्टी के जो खांटी मतदाता थे वो भी अब बिखरते इसलिए जा रहे हैं, मेरा अपना सोचना है, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत अच्छे वाकिफ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, उनके खातों में पैसा डालना, अनाज वितरण योजना, प्रधानमंत्री आवास, तो ये जो लाभार्थी हैं, आप भी जानते होंगे कि जो लाभार्थी हैं वो ज्यादातर 30% में से 20% बहुजन समाज पार्टी के कभी वोटर हुआ करते थे, वही दलित आबादी ज्यादा लाभार्थी है, तो ये लाभार्थी जो हैं ये अब क्या आपको लगता है कि सपा की तरफ जाएंगे? अगर बहुजन से टूटेंगे तो हमें लगता है कि भाजपा की तरफ ही जाएंगे, क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार भाजपा की है? नहीं, दरअसल भाई साहब हुआ क्या जी कि लाभ के जितने लोग थे जी उनका एक ही नेता देश में हुआ जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी। 2014 में उन्होंने योजनाओं के तहत और क्षेत्रीय दलों के जितने भी वोटर हुआ करते थे इस तरीके से, या जैसे मायावती के बारे में बात कहा जाता था उत्तर प्रदेश में कि जिसके साथ मायावती गठबंधन के जी बोलेंगे वो खत्म हो जाएगी, जीता जागता उदाहरण कांग्रेस था जी। और अंत में एक, लेकिन मैंने कहा ना कि 2014 के बाद सभी जाति समीकरण, सभी जाति वोटों पर मोदी जी ने सेंध लगाई, सेंध नहीं लगाई बल्कि एक तरीके से झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने का असर ये हुआ कि 2014 में और 17 में और 19 में उनकी प्रचंड जीत हुई जी। मायावती के बारे में क्या है कि जब 2007 से 2012 आपकी सरकार थी, 12 में आप सपा की सरकार आ गई, 14 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, मायावती कहीं भी एग्रेसिव नहीं दिखी, या तो डिफेंसिव दिखी है। अच्छा, दूसरी बात जैसे अभी जिक्र कर रहे थे प्रयागराज का या भाभा मऊ का, बड़ा एसपी पांडे साहब बड़े मजाक, आप अब इसको हंसी में लीजिएगा कि प्रभात शंकर पांडे वहाँ भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, वो
अंसार अहमद से भी चुनाव लड़ चुके हैं जो समाजवादी प्रत्याशी हैं, इससे पहले भूतपूर्व जो मौजूदा विधायक हैं विक्रमाजीत मौर्य इनके सामने भी लड़ चुके हैं और गुरु प्रसाद मौर्य से भी लड़ चुके हैं। लेकिन आज आप देखिए कि ये तीनों लोग अन्य दल से जा करके वहां पे भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो इन सब चीजों का स्थानीय असर पड़ता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो लाभार्थी के वोट है अगर ये मायावती को नहीं मिलेंगे तो शत प्रतिशत विधानसभा में भाजपा को वे नहीं जा रहे हैं, इससे नुकसान भी भाजपा को होगा और इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन इन प्रयागराज में आप बिना केशव मौर्य के विचार इसलिए नहीं कर सकते कि केशव मौर्य प्रयागराज से निकल के 2007 से उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है और 2017 की विधानसभा में जिस तरीके को बतौर उप मुख्यमंत्री दर्ज हुए और आज मुख्यमंत्री की उनकी बड़ी दावेदारी है, तो ये 12 विधानसभा की सीटें कहीं ना कहीं केशव मौर्य से प्रभावित होती हैं, इससे उनको लाभ भी मिलता है। लेकिन 2-3 सीटें जैसे अभी जिक्र हुआ था मुस्तफा सिद्दीकी का जी, प्रतापपुर झूंसी और हंडिया, ये तीनों विधानसभा यादवों से और पटेलों से ज्यादा प्रभावित होती हैं और यही कारण है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत बड़ी मुश्किल में होती है, हो पाया जी जी। लेकिन पिछली बार तो फाफामऊ भी जीते थे, फूलपुर भी बीजेपी जीती थी। देखिए पिछली बार जब आप 12 में 8 और 9 दर्ज कराते हैं और 400 में 325 जीतते हैं, 80 में 73 जीतते हैं त्रिपाठी जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मापदंड तय कर पाएगा कि किसको किसकी क्या स्थिति होगी। हाँ उस बार थोड़ा सा कई दूसरे राष्ट्रवाद का मुद्दा था, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा था, इस बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी का अपना खुद का मुद्दा था, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा दिख नहीं रहा। खैर यहाँ पे प्रशांत मतलब अंसार अहमद और गुरु प्रसाद मौर्य बीजेपी और समाजवादी के बीच में टक्कर है फाफामऊ में। जी बिल्कुल, देखिए फाफामऊ की बात की जाए तो फाफामऊ में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक है करीब यहाँ सॉरी यादव वोट बैंक 62,000 है और इसी गणित से वहाँ पर मुर्तजा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, बहुजन समाज पार्टी से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। और दूसरी अगर सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो वहाँ सबल वोट बैंक की है, लगभग अगर सबल में क्षत्रिय मतदाताओं को जोड़ ले और ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़े 70,000 के लगभग इनकी मान, और दलित वोट बैंक वहाँ करीब 40 से 45,000 के बीच में है और 30,000 यहाँ मुस्लिम है। और ओबीसी वर्ग अगर यादव को छोड़कर अगर ओबीसी देख लें तो उसमें 28,000 और मौर्य करीब 40,000, मौर्य और पटेल 40 से 45,000 के बीच में है। तो ये समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा रहा है वो ये रहा है कि ओबीसी का जो उनका 62,000 के करीब जो वोट उनका यादव मतदाता है और अगर उन्होंने कहीं मौर्य वोट में अगर सेंध लगा दी, मौर्य पटेल में 40,000 में अगर 10,000 भी मिल गया तो उनका करीब 70,000 वोट हो जाएगा, अगर ओबीसी 28,000 वोट है अगर उसमें से 14,000 वोट मिल गया तो करीब उनका 84,000 वोट हो जाएगा। और इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक जो 30,000 के लमसम है वहां भी अगर आधा मिल जाता है तो करीब 95,000 की मजबूती से वहां समाजवादी पार्टी यानी टक्कर से चुनाव लड़ेगी। तो ये गणित यहाँ लगाया गया है और इसी गणित पर मुर्तजा सिद्दीकी को वहां पे टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस गणित से थोड़ी ना कहीं उनको शिकन जरूर है लेकिन वो अभी भी अपने जो 70 से 75,000 जो उनका वोट बैंक है सबल मतदाताओं का उस पर टिकी हुई है कि अगर उस 70,000 में कहीं वोट अगर 60,000 भी पड़ता है तो भी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ अदर जो बैकवर्ड है उस पर भी वो नजर रखे हुए है जो करीब 28,000 है। दलित वोट बैंक की बात की जाए 40 में जो बहुजन समाज पार्टी की कैडर के बाद जो हाथिए पर खड़े हुए दलित है उन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर रखती है और वो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट भले ही पूरा 40,000 ना गिना जाए उसमें से करीब 15 से 20,000 वोट खसक जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती दिखाई दे रही है। जी चलिए मेजा विधानसभा की सीट पे बात कर लेते हैं। नीलम करवरिया बीजेपी से हैं, शालिनी द्विवेदी कांग्रेस से हैं, संदीप सिंह समाजवादी, सर्वेश चंद तिवारी बहुजन समाज पार्टी। एक बार मनोज जी आपके पास आऊंगा मैं, मेजा की बात में बात करेंगे उनसे। ये जैसा कि पिछले उसमें भी दुर्गेश पांडे कांग्रेस से थे, निश्चित तौर पर वहां ब्राह्मण भी वोट है और माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट योगी के साथ यानी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ऐसे सर्वेश तिवारी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से है, नीलम करवरिया भी बीजेपी से हैं, तो क्या ये ब्राह्मण वोट भी कट रहा है? सामान्य तौर पे माना जाता है जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो जाति के आधार पे उतना नहीं जाता है और इनको माना जाता है कि पढ़े लिखे वर्ग से है, क्षत्रिय है, श्रीवास्तव है, ब्राह्मण है, तो क्या ये
सेंध लगा पाएंगे ब्राह्मण वोटों के पे जहां बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हो? मनोज जी नहीं, दरअसल त्रिपाठी साहब क्या है कि ये बड़ा मतलब समझ में भी नहीं आता है कि मेजा में से लगातार पहले उदय भान करवरिया बाद में उनकी पत्नी लगातार चुनाव जीत रही है, उनका वहाँ व्यक्तिगत प्रभाव जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी थी, बसपा के समय में भी सपा के भी समय वो सीट इस परिवार ने हमेशा जीत बनाए रखी जी। लेकिन जातिगत ढांचे में ये न परिवार फिट बैठता न वहाँ ब्राह्मण फिट बैठता जी। उसके बावजूद आप समझिए कि सबके वोट मिला करके भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती आई है और इस बार भी चाहे सारी पार्टियां ब्राह्मणों को टिकट दे दें लेकिन अगर डंके के चोट तो मैं कह सकता हूं या कहा जा सकता है तो वो करवरिया फैमिली को वो परंपरागत सीट है उनकी वहां जीत सुरक्षित है। कारण उसके पीछे कि वहां से लोगों का जो एक राजनीतिक एक प्रभाव और लगातार जनता के बीच में जिस तरीके जनप्रतिनिधि बना रहना होता है काम के जरिए चुनाव जीत भाजपा की लहर जी, बोलिए बोलिए मनोज जी। भाजपा की लहर जब भाई साहब नहीं थी तब भी चुनाव जीतते रहे। मैंने कहा ना कि 2012-2007 ये इस समय जबकि सपा बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रही उसके बावजूद भी मेजा विधानसभा करवरिया परिवार जीतता रहा। दूसरी तरफ जैसे भी राव साहब कह रहे थे कि फाफा मऊ सवर्ण ब्राह्मण होने के बावजूद भी वहाँ सवर्ण प्रभात शंकर पांडे एक बार 91 की में चुनाव जीते थे उसके बाद कोई नहीं जीता। लगातार अलट पलट सपा बसपा इसी के प्रत्याशी जीतते रहे और अपना दल से अंसार अहमद जीतते रहे। बाद में अंसार अहमद अपना दल छोड़ करके बसपा में आए बसपा फिर सपा में आए। तो जो आपका सवाल शुरू में था कि आया राम गया राम की बहुतायत है तो लगभग सभी पार्टियों में ऐसे लोग जी। प्रशांत मेजा की बात करें मेजा में किसके किसके बीच टक्कर है और जाति समय जैसे कि मनोज जी ने कहा करवरिया फैमिली का अपना दबाव रहा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी तो वहाँ महत्व तो रख ही रही होगी उसका दबदबा होगा उनकी टक्कर में कौन है? बिल्कुल क्योंकि वहाँ पर जो ब्राह्मण प्रत्याशी है नीलम कावड़िया तो वहाँ ब्राह्मण मतदाताओं क्योंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भी कहा जाता है तो ऐसे में वो मजबूती से वहाँ दिखाई दे रही है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी वहाँ टक्कर देती हुई नजर आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वहाँ पर आंकड़ा चल रहा है एक तरफ उन्होंने जहाँ शहर से ऋचा सिंह को चुनाव में उतारा है और वही मुर्तजा सिद्दीकी को बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने टिकट दिया है तो वो क्षत्रिय और मुस्लिम वोट बैंक को वहाँ सामने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन जो कांवरिया परिवार का वहाँ से पहले से दबदबा रहा है तो वो मजबूती तो इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि दो एक बार के विधायक है दूसरी बार उपरू चुनाव मैदान में है और दूसरा जो क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उस लिहाज से क्योंकि ब्राह्मण मतदाता जो है हालांकि जो कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है लेकिन इस सीट पर नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है। वो लगातार अपने प्रत्याशी के पक्ष में है और उस प्रचार में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का पीछा समाजवादी पार्टी वहाँ कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति वहाँ तीसरे नंबर पर है और इस तरीके से देखा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो एक हमेशा टेंडेंसी रहती है कि जब उनका प्रत्याशी हार जाता है तो उसको दोबारा मौका नहीं देते हैं और नया प्रत्याशी उतार देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो कैडर वोट होता है और जो पूर्व में प्रत्याशी अपनी तैयारी करके आता है तो वो नुकसान जरूर यहाँ पर झेलने को मिलता है बहुजन समाज पार्टी को झेलने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अब सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। सीधी टक्कर सर्वेश्वर तिवारी जो बहुजन समाज पार्टी से करवरिया के वोट नहीं काट पा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कांवरिया परिवार पहले से मैंने आपको बताया कि कांवरिया परिवार का वर्चस्व ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा लामबंद रहा है लेकिन जिस तरीके से सर्वेश्वर तिवारी वहाँ पर अगर कहा जाए कि वोट काटने की बात की जाए वो उतना नहीं काट पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-30% ही वहाँ वोट काट पा रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा आस्था का है सर वहाँ पर क्योंकि प्रयागराज आस्था का केंद्र है तो दूसरा सबसे बड़ा अगर भारत की आस्था का या विश्व की आस्था का बात की जाए तो अयोध्या है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसको लेकर ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरीके से लामबंद है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा वो जरूर दावा करते आए हैं कि उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो फिट बैठेगा लेकिन उसी गणित पर उन्होंने यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा था क्योंकि ये ब्राह्मण बाबू सीट है और जो आंकड़ा उन्होंने लगाया कि अगर इस पहाड़ी क्षेत्र में उनको सही से वोट मिलता है और इसके साथ ही जो उनका दलित वोट बैंक करीब वहाँ से 25-28% है वो अगर जुड़ जाता है और अगर बैकवर्ड में जैसे मौर्या है सैनी है या पटेल है
जिंद है, ये वोट अगर मिलता है उनको तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ पाला जीत सकती है। लेकिन जो प्रत्याशी बदल दिया गया है उसमें ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। कोराव चलते हैं, कोराव विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। रामदेव निडर समाजवादी पार्टी से हैं, राजबली जैसल बीएसपी से हैं, राजमणि भारतीय जनता पार्टी से हैं और राम कृपाल इंडियन कांग्रेस से हैं। कोराव में क्या स्थिति है प्रशांत? कोराव की बात करें तो कोराव में जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो मजबूत है, क्योंकि पहले भी वो विधायक रह चुके हैं एक बार, तो इस स्थिति से उनकी जो स्थिति वहाँ पर मजबूत है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर स्थिति मजबूत है वहाँ पर। चलिए इसमें हम मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, जहाँ भी ये माना जाए कि सपा तीसरे नंबर पर है, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर है, हालांकि ये राजनीति पर्दे के पीछे है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत है तो भाजपा को फायदा है। क्या आपको लगता है कोराव में, जैसे हमारे प्रशांत जी बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल ये एक योरेज आंकड़ा हम लगा सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि उस विधानसभा की स्थिति क्या है। जी, कोराव विधानसभा में अगर समाजवादी पार्टी, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ त्रिपाठी जी, कारण यह है कि पहले चरण से लेकर के चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, पांचवें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होने जा रही है, लेकिन इस बार न पार्टियां, न नेता और न जनता अगर मगर की स्थिति उत्तर प्रदेश नहीं रख रहा है, या तो वो सत्ता के साथ है या विपक्ष के साथ, यही वजह है कि बड़े बड़े प्रत्याशी और बड़ी बड़ी पार्टियां जो तीसरे नंबर पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार प्रियंका जी जिस तरीके से मोड में है, लेकिन रैली तो उनकी भीड़ इकट्ठा हो रही है जन, लेकिन जब ये सीटों की संख्या में आएगा या हार जीत में आएगा तो मुझे लगता है आपको और हमको आमने सामने सपा बसपा में ही दिखेगा। रही बात कुराव में, अगर बहुजन समाज पार्टी से भाजपा की टक्कर हुई और सपा नंबर 3 पे गई तो वहां पर भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि जो परंपरागत वोट बहुजन समाज पार्टी के थे, खासकर हम दलितों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात करें, और इनके साथ में सवर्णों को ऐड करके ही मायावती ने एक सोशल जस्टिस का फार्मूला बनाया था जी। और उस पर उन्होंने काम किया, उनकी सरकारें बनी जी। वो टूट चुका है, वो आपको ना ही प्रदेश में ना ही देश में कहीं नहीं दिखेगा। आप चाहे फ्री के फंडे की बात कर लें या व्यक्तिगत लाभ की बात कर लें, मनरेगा की बात कर लें, कोरोना काल में उनके घर में फ्री के राशन की बात कर लें जी, जी। तो फ्री आवाज को, तो इन सब चीजों के जरिए मोदी जी ने कम से कम ये किया और उसका असर है। रही बात कुराव की, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सपा नंबर 3 पे गई तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीते, बहुजन नहीं जीत सकती। नहीं, बहुजन नहीं जीतने के पीछे कारण ये है ना कि बहुजन का वोट तो पिछले 3 बार 14 में लोकसभा, 12 में विधानसभा, 19 में फिर लोकसभा, ये भाजपा के खाते में जा चुका है। और मायावती जी ने या बसपा के किसी कैडर ने या कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो दोबारा उनका वोट वापस आ सके, सिवाय लखनऊ में बैठ करके किताबी और संख्या बल पे चुनाव प्रत्याशी उतार देना। त्रिपाठी जी, अब जीत का फार्मूला नहीं रहा, जीत के फार्मूले बदल चुके जी। जी, मतलब अब वो सब जैसा कहा जाता था कि हिंदुस्तान में एक ही लीडर है, पुराने लीडरों को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल में, जो एक अपनी स्पीच में मतों को शिफ्ट कर सकते हैं, वो थी काशीराम और मायावती की। सीधे सीधे भेड़िया धसान चाल जो होती है कि इनको नहीं, इनको देना है, वो एक साथ मैसेज चला जाता, वो अभी स्थिति नहीं रही मायावती जी की। चलिए 12 विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं प्रशांत। 12 में क्या है, 12 में क्या स्थिति है? यहाँ अपना दल को छोड़ रखी है भाजपा ने, किसके किसके बीच में टक्कर है? यहाँ अपना दल के वाचस्पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में वो जो अपना दल को सीट वाचस्पति को देगी, वाचस्पति के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में वहाँ ब्राह्मण वोट बैंक के साथ दलित बाहुल सीट है, तो वहाँ दलितों के करीब कहा जाए कि 1,30,000 मतदाता है यहाँ, और पिछड़ी जाति कहे जाए तो करीब 52,000 यहाँ पिछड़ी जाति के मतदाता है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ निर्णायक भूमिका में यहाँ मुस्लिम वोट बैंक रहता है, जिनकी करीब 39 से 40,000 के बीच में वोट है, और इसके साथ ही जो अन्य बैकवर्ड जातियां हैं या फिर वैश्विक को जोड़कर देख लें तो 40,000 वोट यहां पर हैं। तो वहां बहुजन समाज पार्टी ने अजय कुमार को टिकट दिया है, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और पाला बदल कर आए हैं बहुजन समाज पार्टी में, तो वहां
जो स्थिति है वहाँ वाचस्पति भी पूर्व विधायक रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये दलित वोट बैंक में कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा देती है, 1,20,000 के लमसम उनका वोट बैंक है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फायदे में हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी का अगर वोट जोड़ लें तो उसमें करीब यादवों की संख्या 45,000 के लगभग सॉरी 35,000 के करीब मानी जाती है, और अदर जो बैकवर्ड है उसकी बात मान लें तो 40,000 वो है। तो इस गणित से वहाँ समाजवादी पार्टी अपने को मजबूत बता रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुस्लिमों की संख्या वहाँ 39,000 से 41,000 करीब बताई जा रही है, और वोट बैंक जो है ब्राह्मण वोट बैंक करीब है 50,000 के लमसम, उसमें अगर सेंध लगा लेती है तो वहाँ समाजवादी पार्टी और जो अपना दल की सीट है वहाँ पर वाचस्पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी न उतार कर अपना दल के सहयोगी को दे दिया है, क्योंकि जो वहाँ पर बैकवर्ड वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की गई है। तो इस लिहाज से यहाँ भी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि अजय कुमार वहाँ से विधायक रहे हैं, उन पर आरोप है उन्होंने काम नहीं किया है, पाला बदलने में वो माहिर है, कहीं कभी भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी में होते हैं, दो अजय हैं, दो अजय हैं यहाँ, एक बहुजन समाज पार्टी से अजय हैं, एक समाजवादी पार्टी से अजय हैं, एक डॉक्टर अजय हैं, एक अजय कुमार है। जी जी, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में आए हैं जी। नहीं, डॉक्टर अजय बहुजन समाज पार्टी से हैं और अजय कुमार समाजवादी पार्टी से। 2012 में जो डॉक्टर अजय कुमार की जीत मिली थी वो समाजवादी पार्टी से मिली। जी जी, वो इस बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी 2017 में उन्होंने चुनाव जीता था, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ। चलिए चलिए, थोड़ा सा हम एक बार मनोज जी के पास चलते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मनोज जी, कहाँ कंफ्यूजन है? दूसरा एक सवाल हमारा यहाँ ये है कि जिस तरह से ये माना जा रहा था कि जयंत चौधरी से अखिलेश जी का समझौता हो गया, तो जहाँ जाट प्रत्याशी है वहाँ तो जाट मत दे रहे हैं, लेकिन जहाँ बहुजन इसका समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, दीगर जाति जो जाट समुदाय से नहीं है उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेता पहले हुआ करता था कि नेता ने कहा कि जाटों के नेता ने कह दिया, जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह ने, कि इनको देना चले जाते थे, लेकिन वो भाजपा में जा रहे हैं। उसी तरह जो भाजपा के जो मतदाता हैं, खाटी जो भाजपा के समर्थक हैं, क्या वो अपना दल को वोट कर पाएंगे, करेंगे? नहीं भाई साहब, दरअसल क्या है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत असर रहता है और उसको नकारा नहीं जा सकता जी। लेकिन जैसे भी दो अजय कुमार के बीच में आप कौन अजय कुमार किसका है, कौन अजय कुमार कहाँ था, मतलब हंसी इसलिए छूट रही थी कि ये ऐसी स्थितियां बड़ी अजीब से हो जाती हैं कि कब कौन कहाँ कैसे पहुंच जाए और फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आपका सवाल था, देखिए हम शुद्ध शब्दों की बात कहेंगे, जो जाति बातों पर मैं इतना खुल के नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपना दल चूंकि पटेलों के मूवमेंट से और सोनेलाल की मेहनत से खड़ी हुई थी, लेकिन उनकी चूंकि आकस्मिक मृत्यु कही है और नहीं रहे, तो लेकिन अब पार्टी भी देखिए दो बेटियों या पत्नी और बेटी के बीच में बटी, कोई कमेरा अपना दल हो गया, कोई अनुप्रिया का अपना दल हो गया, लेकिन लेकिन पटेलों ने अपने वर्ग के नेता उसी को माना है जो समृद्ध होगा, जो बलशाली होगा। और 2019 में जो एक पूरे प्रदेश में और खेल चल रहा, 2019 में जो अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ जी। तो मायावती उससे पहले शून्य पे थी लोकसभा में, लेकिन लोगों का ये मानना है, खासकर जो अखिलेश के समर्थक थे, कि साहब अखिलेश की वजह से मायावती शून्य से 10 पे पहुंच गई जी। तो हमारा नुकसान हुआ, मतलब हमने इनको वोट दिया, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया जी, जी, जी। तो इसलिए जो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वो अगर बहुजन समाज पार्टी के हैं, तो वो या तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या तो बसपा को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा से उनकी नाराजगी है, लेकिन ऐसा परसेंटेज बहुत कम है। और रही बात किसान और जाट की, बात जहां तक है, देखिए मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना और बहुत चीजें इस तरीके से थी जो काफी लंबी गैपिंग हो गई, लेकिन किसान आंदोलन से ज्यादा स्वर्गीय अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह के वारिस कह लीजिए, या उनको लगा कि जयंत के साथ उनका इमोशनल अगर लगाव जुड़ाव या कमिटमेंट नहीं होगा तो वो अपना नेता खो देंगे।
जिसके जरिए उनको ये पता था कि अकेले जयंत कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अखिलेश के साथ ही सही। तो ठीक है, ये भ्रम भी फैला है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं है। ये हम आप जब 10 को बैठेंगे, परिणाम पे चर्चा करेंगे, तब बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी किसान आंदोलन, इसका मतलब वो भाजपा के खिलाफ रहा है जी। तो भाजपा के खिलाफ वोट अगर पड़ रहा तो वो जाएगा समाजवादी पार्टी को, और उसकी जगह न तो बहुजन समाज पार्टी लेने की स्थिति में, न ही कांग्रेस स्थिति है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लड़ाई 1-to-1 है, भाजपा वर्सेज समाजवादी पार्टी जी। सीधे यहाँ पे करछना चलते हैं। करछना में थोड़ा संक्षेप में बताइए प्रशांत, क्या स्थिति है वहाँ, किसके किसके बीच में है? प्रशांत मेरी आवाज आ रही? प्रशांत मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज कट के आ रही है आपको? जी जी जी। करछना में क्या स्थिति है? करछना की बात की जाए तो करछना में जिस तरीके से वहाँ जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहली स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जाति धर्म की बात होती है तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, और समाजवादी पार्टी वहाँ पीछा कर रही है। तो जो अन्य प्रत्याशी हैं वहाँ वो उनका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जाति आंकड़ों की बात की जाए, ब्राह्मण वोट बैंक और इसके साथ ही क्षत्रिय वोट बैंक वहाँ पूरी मजबूती से तटस्थ खड़ा हुआ है, और वैश्य वोट बैंक हमेशा वहाँ इज्जुट रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो इस सीट पर वहाँ पर समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से हटकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाती हुए दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उसमें जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, और आजम खान के साथ जो हो रहा है उसमें भी खुलकर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो उसमें कहीं ना कहीं वो तरीके का रिमर जरूर है, जो मुस्लिम वोट बैंक वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ खसकते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो मौर्य वोट बैंक है और पटेल वोट बैंक है, और वहीं पर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भी सेंड लगाई जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ निर्णायक भूमिका में हो सकती है। चलिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं मनोज जी इस पूरे उसमें। और एक सवाल है कि जैसा छत्री वोट बैंक बीजेपी का माना खांटी माना जा रहा है, तो यहाँ उज्ज्वल रमण सिंह समाजवादी पार्टी से है, छत्री है, वो कुछ सेंध लगा पाएंगे बीजेपी के वोटों में? देखिए पंडित साहब, दरअसल रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्ज्वल रमन सिंह, और इसी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते रहे जी। और उस क्षेत्र में उनका असर, रही बात जो छत्री समाज की बात हुई कि भाई वो आज के डेट में पूरे प्रदेश में नेता योगी जी को मानते हैं और उनके नाम पर वो हर विधानसभा सीट को उनका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी की ही लड़ाई होगी। परिणाम कुछ भी आया है, लेकिन उज्ज्वल रमन सिंह बहुत अच्छी स्थिति में है और वो अच्छी टक्कर दे। रही बात अतीक अहमद का, अगर फैक्टर काम किया प्रयागराज में तो उससे प्रभावितपुर एक सीटें नहीं होंगी, फिर तो कम से कम 4 सीटें होंगी, और 4 सीटें समाजवादी पार्टी या बाकी लोग हार जाएंगे, लेकिन अतीक अहमद का फैक्टर मुझे बहुत खास दिखता नहीं। प्रयागराज उत्तर विधानसभा में क्या स्थिति है प्रशांत? प्रशांत आप नेटवर्क में नहीं है क्या? प्रशांत चलो एक बार फिर मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, जो प्रयागराज उत्तरी विधानसभा, आपने कहा शहरी विधानसभाओं में भाजपा का जबर वर्चस्व रहा है, ये उत्तरी विधानसभा मुझे लगता है शहर में ही आएगा जी। जी, तो यहाँ पे मतलब जी जी नहीं नहीं बोलिए, आप सवाल करिए फिर जवाब दूं। नहीं, यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस से हैं, संजय गोस्वामी बसपा से हैं, संदीप यादव समाजवादी पार्टी, हर्षवर्धन वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो ये निश्चित तौर पे यादव मतदाता भी होंगे वहाँ, बहुजन अच्छा मुस्लिम मतदाता, इनका गठजोड़ तो बहुत जबरदस्त है इस बार देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ भाजपा के साथ जो दीगर थोड़ा पिछड़ा वर्ग दूसरे जो यादव नहीं है वो, प्लस बहुजन समाज पार्टी के जो शिफ्ट हुए हैं वोट वो, प्लस सबर, ऐसी स्थिति में प्रयागराज उत्तरी में क्या स्थिति दिखेगी? हर्षवर्धन वाजपेयी जी फिर जीतेंगे नहीं जीतेंगे?
देखिए वह सब दरअसल परिसीमन में सबसे ज्यादा अगर कोई सीट प्रभावित हुई है तो शहर उत्तरी जी। शहर उत्तरी चूंकि आप माया से जुड़े रहे हैं, प्रयागराज को जानते हैं, तो यूनिवर्सिटी से लेके ये पूरी बेल्ट है गोविंदपुर, अल्लाहपुर, रसूलाबाद, जो सिर्फ सवर्णों और की ही डोमिनेटिंग रही जी। यही वजह है कि जी 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 निर्दलीय के रूप में भी आप तो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जब कभी अनुग्रह जी निर्दलीय प्रत्याशी होते थे तब भी सामने वाले का दांत खट्टा करने की स्थिति में रहते थे जी। और हर्षवर्धन वाजपेयी चूंकि अशोक वाजपेयी, रंजना वाजपेयी के पुत्र हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए पुनः, लेकिन वहां सामने से कौन जीते ये बात का विषय है, लेकिन लड़ाई उसकी अनुग्रह से ही होनी है। अनुग्रह के लिए कांग्रेस पार्टी माने नहीं रखती, अनुग्रह खुद व्यक्तिगत चूंकि एक लंबे समय से विश्वविद्यालय के छात्र संघ से जुड़े रहे और फिर राजनीति में बहुत जमीनी नेता है, अनुग्रह जी का दरवाजा 24 घंटा आम जनमानस के लिए खुला रहता है, मफूरगंज वही रहते हैं, भले वो कई प्रदेशों के प्रभारी हो गए, बड़े नेता हो गए, लेकिन आम आदमी में उनकी रीच है, इसलिए शहर उत्तरी में आंख बंद करके कह सकते हैं कि सामने से जो भी लड़े उसको लड़ना अनुग्रह से ही। मैंने यहाँ कांग्रेस और बीजेपी या सपा की टक्कर होगी, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में जब सपा से नहीं हो जी जी जी। प्रशांत मेरी आवाज आ रही जी? प्रशांत अब चूंकि समय कम है इसलिए मैं इलाहाबाद दक्षिणी और पश्चिमी की दो की बात कर लेता हूं, दोनों की आप थोड़ा समीकरण बता दें, दक्षिणी और पश्चिमी में किसके बीच में टक्कर है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो देखा जाए पूरी तरीके से दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है तो दूसरी तरफ वहाँ पर नंदगोपाल नंदी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि कुछ जनता थोड़ी बहुत उनसे नाराज जरूर रही कुछ विकास कार्यों को लेकर, लेकिन जो माहौल उन्होंने बनाया है क्योंकि जो वहाँ पर आस्था का विषय रहा है संगम नगरी, वहाँ पर जिस तरीके का अब वहाँ कुंभ मेला कराया गया और उसके साथ ही एक भी दंगा ना होना और उसके साथ ही इलाहाबाद के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर किसी भी तरीके की जाति वैमनस्यता ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। तो दूसरा कारण यह भी जनता मान रही है अतीक अहमद का वहां से आतंक खत्म होना, क्योंकि जो भय और जो आतंकी सरपरस्ती का वह माहौल बना हुआ था उससे वहां पार्टी को फायदा मिल रहा है। चलिए इसमें मनोज जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे पूरी तरह से माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा, लेकिन शहर पश्चिमी में गुलाम कादिर बहुजन समाज से हैं, तस्लीमुद्दीन इंडियन कांग्रेस से हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से है ही है, तो क्या वहां का मुस्लिम मतदाता भले 10,000, 20,000, 25,000 हो तो क्या धर्म के आधार पे कट के इधर अपने समाज में आ जाएगा या ऋचा सिंह यानी समाजवादी पार्टी को मिलेगा? सर एक तो संशोधन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अतीक अहमद शहर पश्चिमी, अतीक अहमद की परंपरा सीट थी और वहाँ बड़ी संख्या मुसलमान जी, लेकिन चूंकि तस्लीमुद्दीन पार्षद हुआ करते थे समाजवादी पार्टी से और मुलायम सिंह की मेहरबानी पर वो नाबित पार्षद थे, लेकिन है क्या कि शहर में केसरीनाथ जी की वजह से या सिद्धार्थनाथ सिंह ये सब बड़े नेता माने जाते हैं और मुसलमानों को वोट तो सीधे यही कह सकते हैं कि तस्लीमुद्दीन और दूसरे प्रत्याशी में जो भारतीय जनता पार्टी के सामने ठीक स्थिति में लड़ने की स्थिति में आएगा उसको जाएगा और ये फैसला ये लोग अंतिम समय में लेते हैं जी। तो वो मेरे ख्याल से भी एक दो दिन इंतजार करना होगा, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह या नंदगांव गोपाल नंदी ये दोनों ऐसे नेता हैं कि इनके समर्थक या इनके वोटर जी, अगर हम जातियों की बात कर लें या अन्य तरीके से बात कर लें तो उसमें अन्य पार्टियों की संख्या कम है जो परंपरागत वोटर्स हैं, इसलिए भाजपा की जीत दोनों के लिए आसान है, बहुत कड़ी टक्कर इनको नहीं दे रहा कोई भी जी जी। और दक्षिणी में शहर दक्षिणी की स्थिति मिला जुला है, या आप उसको ये कह सकते हैं कि है तो शहर का मामला लेकिन चूंकि तराई एरिया से लेकर के उसमें नए बाकी क्षेत्र भी लगता है, लेकिन वहाँ कांग्रेस आपकी भाजपा वर्सेज समाजवादी पार्टी होगी पर अंततः भाजपा वहाँ जीती। चलिए प्रशांत एक बार और प्रतापपुर की बात कर लेते हैं, प्रतापपुर में घनश्याम पांडे बहुजन से हैं, बिजवा यादव समाजवादी से हैं, संजय तिवारी इंडियन कांग्रेस से हैं और राकेश धर त्रिपाठी अपना दल मने बीजेपी से हैं और अपना दल को गई, तीन ब्राह्मण हैं और एक यादव प्रतापपुर में जी बिल्कुल, वहाँ देखिए तीन ब्राह्मण हैं और एक यादव हैं और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ से लड़ रहे हैं
लेकिन जो यहाँ देखा जाए वहाँ पर पूरी तरीके से जो ब्राह्मण है वो अभी भी थोड़ा पटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ने कई बार वहाँ आग्रह किया है और वहाँ के नेताओं से वो जुड़े हुए भी हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी कुछ जा रहा है। लेकिन यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के साथ वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत खड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूती भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पिछली बार जो जीत हुई थी जिस तरीके से और अपना दल का गठबंधन है, तो वहाँ पर जो मतदाता कहा जाए कुर्मी बिरादरी का, कुर्मी है और उसके बाद जो कोल बिरादरी है, उसके साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी का जो एसपी बोर्ड कहा जाता है, उसके बाद हाफिये तक खड़े जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिले थे। और इस बार जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है या फिर मंत्रिमंडल में जिस तरीके से हाथियों पर खड़ी हुई जातियों के लोगों को मंत्री बनाया गया है, वो फैक्टर वहाँ काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी वहाँ लड़ाई नजर आ रही है। चलिए समय भी हो गया, थोड़ा संक्षेप में मनोज जी आपकी इस सीट पे प्रतापपुर सीट पे भी टिप्पणी चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। प्रतापपुर विधानसभा हमेशा जातीय निर्णय पर ही गई है, इसलिए वहाँ बिजमा यादव और अपना दल भाजपा गठबंधन के बीच में ही टक्कर, बिल्कुल सही कहा राव साहब ने कि वहाँ मुस्लिम यादव और अन्य सपा के साथ में होंगे और पटेल और सवर्ण, क्योंकि पटेलों की संख्या भी ज्यादा है, तो अपना दल गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच में ही लड़ाई है। मुझे लगता है कि अपना दल गठबंधन वहाँ भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया विशेष टिप्पणी के लिए। प्रशांत तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में शरीक होने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम पांचवें चरण में पहुंच गया है। इस चरण में जिन 61 सीटों पर मतदान होना है उसमें प्रयागराज जिले की 12 सीटें शामिल हैं, जिन पर पिछली बार बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन अब पहले से अलग समीकरणों के बीच भी क्या बीजेपी का बोलबाला बरकरार रहेगा या फिर बाजी पलटेगी और सपा समेत अन्य दलों की धमक बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ सत्ता का संग्राम इतना ही, नमस्कार।